आदि उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आप देखिए सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और ये जो ब्लॉग है मैंने निकाल लिया था अल्मोड़ा बागेश्वर वाले ब्लॉग से, क्योंकि 8-9 मिनट मेरा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको ये जो नज़ारे हैं ये मैं बाद में दिखाऊँ। और यहीं अल्मोड़ा और हल्द्वानी हाईवे पे खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जैसा मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया। और हम लोग शायद अभी वहीं जा रहे हैं। अभी दिन के करीब 2 बजे हुए हैं और डिस्टेंस उसकी करीब है यहाँ से 18 किलोमीटर अल्मोड़ा से। तो देखते हैं वहाँ के नज़ारे, कौन से डेस्टिनेशन में आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से मुक्तेश्वर है करीब 35 किलोमीटर दूर और काकड़ी घाट 11 किलोमीटर दूर। तो काकड़ी घाट और खैरना के बीच में वो डेस्टिनेशन निकलेगी कहीं पर। उसके लिए कोई गांव है वहाँ पर सुयालबाड़ी करके, तो वो उस गांव में हमको सुयालबाड़ी पे जाना है। वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, ऐसा कुछ सुनने में आया, मैंने आज तक कभी देखा नहीं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। हम शायद उसी को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे सुयालबाड़ी। और शायद हाईवे से उसकी जो दूरी है वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है। तो अल्मोड़ा और हल्द्वानी हाईवे में करीब काकड़ी घाट और खैरना के बीच में यहाँ पर लिखा है मुक्तेश्वर 45 किलोमीटर, नथुआखान 29 किलोमीटर, अल्मोड़ा 18 किलोमीटर यहाँ से, और ढोकना वाटरफॉल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और बहुत ऑसम है सुनने में आया। तो देखते हैं वहाँ तक के नज़ारे, क्योंकि यहाँ तक तो आप आई जाओगे इसलिए मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको लोकेशन का पता चल जाए। तो देखते हैं यहाँ के नज़ारे कैसा है वाटरफॉल। मेन हाईवे से 2 किलोमीटर पर आ गए, लेकिन यहाँ पर फिर से बोर्ड लगा हुआ है वाटरफॉल का, और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखी है वो करीब 3 किलोमीटर। अभी हम लोग को यहाँ से 3 किलोमीटर इस कच्ची सड़क के रास्ते जाना पड़ेगा उस फॉल की ओर। स्लोप है इस रोड का वो बहुत विकट है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्लोप इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे बाइक चलाना बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि रोड तो पहले कच्ची है और उसके ऊपर टूटी हुई है, और कहीं कहीं पे पानी के बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं इस रोड पे। और जो कंडीशन है रोड पे गाड़ी चलाने की वो मतलब आसान नहीं है, क्योंकि स्लोप ना बहुत 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 ज़्यादा भयंकर स्लोप है। और अभी जो वाटरफॉल दिखाई देने लग गया है, लेकिन है काफ़ी दूर अभी, अभी 2 किलोमीटर और नीचे उतरना पड़ेगा हमको। 1 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी कर ली होगी हमने, लेकिन जो व्यू आ रहा है वाटरफॉल का वो बहुत ऑसम है। ऊपर से ही नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, नीचे जाके तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो भैया 100 रुपये एंट्री देनी पड़ी है इस वाटरफॉल के लिए पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। और नीचे वाटरफॉल है बहुत ज़बरदस्त वाला, हम जा रहे हैं उधर ही। कुछ देर तक बाइक चली यहाँ से कहीं 3-4 किलोमीटर नीचे तक, लेकिन उसके बाद क्या है कि वहाँ से बाइक का रास्ता बंद था, फिर उसके बाद पैदल चलना था करीब 1-2 किलोमीटर नीचे तक, तो वहीं जा रहे हैं हम। तो ये जो वाटरफॉल है ये हल्द्वानी से करीब 60 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर है। खैरना और काकड़ी घाट के बीच में स्थित है, एक रोड जाती है 2 किलोमीटर ऊपर को करीब, तो वहाँ पर ये वाटरफॉल है। आप सामने देख रहे हैं वाटरफॉल, अभी काफ़ी दूर है हमसे, तो आप पास जाके उसके नज़ारे लिए जाएंगे। आज तो ठंडे का दिन है, तो हम क्योंकि बारिश हो रही है तो नहा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ फ़ोटो वोटो के जाके वापस आएँगे। जैसा इरादा है वैसे मेरे पास सारा सामान है नहाने का, नहा भी सकते हैं अगर मूड किया तो। तो हम पहुंच चुके हैं ढकाना ढोकना वाटरफॉल में,
ये है उसके खूबसूरत नज़ारे देखिए, काफ़ी है मतलब करीब हाइट रही 35 फीट होगी, 35 फीट के ऊपर करीब हाइट है जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। और मौसम ठंडा है लेकिन हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो नहाऊंगा ही नहाऊंगा किसी भी हालत में, क्योंकि 100 रुपये दे रखे हैं, 100 रुपये के वसूलने हैं तो नहाना है। तो मैंने भी अभी ना एक्चुअली मैं बैग बाइक में बता था तो उसमें मेरा टावल और सारे अंडर गार्मेंट्स उस पर रखे हुए थे तो मैंने मंगा रखे हैं, तो उसके बाद हम लोग नहाएंगे। तो भाई साहब 100 रुपये जैसे तो वसूले पूरे, यहाँ पर आके नहाया जबकि इतना ठंडा है, मौसम भी ठंडा है काफ़ी और महीना है फरवरी का और इतना जिसका ठंडा था पानी, लेकिन तीनों भाइयों ने जबरदस्त नहाया है। करीब 1 घंटे इस वाटरफॉल से 3 बजे हम पहुँचे, 4 बजे तक हमने यहाँ पर पूरा नहाया। तो कैसा आपको लगा ये ढोकला वाटरफॉल का ब्लॉग, कमेंट करके जोड़ देना और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। ठंडा बहुत विकट हो गया मेरी तो जवान भी चल रही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।